संडे फोन कर के पूछे क्या नहीं आज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग मतलब जो पूछ रही वो तो बता नहीं रही है वो मैं तेरे को बाद में बताऊंगी डिटेलिंग में बिल्कुल आपका स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में ये तो बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है क्या बोल रही है वैसी लग रही जैसे वो कर रहा था अभी बंदर पहले तो पूरी ढाई बजे चलेंगे फिर फोन करे बोल रही है क्या अगर सही में पूना अगर ये बात झूठ निकले ना फिर तू गई आज ना मैंने इसको बोला कि 2:30 बजे चलते हैं फिर सर ने अचानक से मुझे कॉल करके ऐसे बोला कि पूनम मैं बोल रहा हूँ अभिषेक में हाँ सर जितनी जल्दी हो सके ना कोचिंग उतनी जल्दी आ जाओ मैंने उनसे रीजन भी पूछा उन्होंने बताया नहीं बस इतना बोला मुझे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोचिंग आ जाओ अब इसमें मेरी क्या गलती है बता मतलब इतनी सी बात को बताने के लिए तूने इतनी देर रोक रखा मैंने इसको बोला कि अब इसने बोला कि तेरा तो कोई काम नहीं है तो मैं कहा सर ने बुलाया बोला बता बात मैं कहा जब वीडियो बनाऊंगी ना व्लॉग में बताऊंगी तभी तुझे बताऊंगी तो बेचारी 15 मिनट से वेट कर रही है ये जानने के लिए कि सर ने बुलाया क्यों मुझे भी पता नहीं कितने बुरा लग रही है ये करती भी सर ने मुझे बताया नहीं तो वरना मैं भी बता देती तुझे तो अभी मैं आप लोगों को कोचिंग जाके दिखाऊंगी कि सर ने हमें इतना जल्दी बुलाया क्यों अगर सर ने परमिशन दी वीडियो बनाने की तो मैं पक्का वीडियो में सर से पूछ के बताऊंगी आपको कि सर ने इतना जल्दी हमें बुलाया लेकिन पूछ के नहीं ऐसा कैमरा ऑन करके सर जब बताएंगे ना तो वो वीडियो रिकॉर्ड करूंगी अगर सर ने परमिशन दी तो रिकॉर्ड हो जाएगा लेकिन इसकी पेस्ट्री वाला रिकॉर्ड होगा की सर ने हमें एक्चुअली में इतना जल्दी बुलाया क्यों है तो वो जरूर बताऊंगी आपको तो उसके लिए हम हाँ बता देंगे इसी गली में नहीं आज तो ये डेयर है मेरे लिए कि ठीक है डेयर 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 ही बोला है मैंने मेरे पास रिकॉर्ड ये हाँ थोड़ी पागल है मैं क्यों मुंह लग रही हूँ इसके मैं पूरी कोशिश करूंगी आज वीडियो बनाने की सर का कि एक्चुअली मैम सर ने हमें बुलाया है कि व्यक्ति चुपके से बना ले तो वो कोई गारंटी नहीं है सर के सामने कैमरा ऑन करके सामने बनाऊंगी इतने बहुत हिम्मत है भाई मैं खतरों के खिलाड़ी हूँ बना के बताऊंगी बना के बताऊंगी ना इसलिए बना के बताऊंगी देख लो बना के तो दिखाएगी वो पेस्टी करवा के बना ले वो बात अलग देख लेना इस कुत्ते ने ना चित्रा को डरा दिया तू क्यों डर रही तेरा तो दोस्त है वो भाई दूर रह प्लीज ऐसे कैसे लेकर जा रही है मुझे अभी कौन कर रहा था मैं खेलने की तरह वो हाँ इस सम्मान में जब भी तो तेरा कुत्ता पीछे पड़ रहा है ना कि मुझे भी लेकर चलो दीदी वो देखो अब वो उनके पीछे भाग गया देख मतलब किसी ने हाँ किसी ना किसी के पीछे भाग ही रहा है मुझे लग रहा है उसको तुझमें ना आंटी नजर आई है वीर चक्र दे रहे थे सर तो मुझे मैं कह सर ऐसा कुछ नहीं करा मैंने आज सर ने हम लोगों को जल्दी बुलाया इसलिए हम लोग बैठ के रिक्शे में जा रहे हैं तो आज का किराया सर से ही लेंगे क्योंकि सर के कारण बैठ के जा रहे रिक्शा में वरना तो हम पैदल जाते सर पर जितना जल्दी हो सके आ जाओ तो आज का किराया तो सर से ही लेंगे तो फिर कैसी है देख लगता अच्छी रही हूँ आई देख बस बोल तू मांगेगी सर से बोला सर आपके कारण बैठ कर आए हैं हाँ आए हैं ये स्नैप की बीमारी ले ली नहीं अच्छा था फिर पागल है क्या जब कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहा है तो इतनी बकवास नहीं करनी ये इम्पोर्टेंट काम है तेरा वो खोला ना अभी हसिया ने सेम फोन निकल फोन तो वो तो तेरी भी इंसल्ट करी थी आज आज जब पता है आज हम लोगों को जब सर ने कोचिंग जल्दी बुलाया ना तो हम लोगों ने सोचा जरूर सर को कोई इम्पोर्टेंट काम होगा हम लोगों से बट जो कोचिंग में जाने के बाद हम लोगों की बेइज्जती हुई है घनघोर बेइज्जती ये तो बेचारी सुननी होगी इस बेइज्जती को सुनकर बोल तेरी हुई है बेइज्जती तो मैं क्यों सुनूंगी भाई हमने सोचा कि सर को इम्पोर्टेंट काम के लिए बुला रहे होंगे या सर को जल्दी क्लास लेनी होगी लेकिन जो जाने के बाद हमारी इंसल्ट हुई है भयंकर बिल्कुल तो मैंने ना आप लोगों को दिखाने के लिए सर का वीडियो भी बनाया था बट इसने सर को बता दिया कि सर ये ब्लॉग में ऐड करने वाली है तो सर ने इतना ज्यादा मुझे डरा दिया ना कसम लगा दी डरा दिया तो अब मैं वो लगा ही नहीं सकती वरना
मैंने सच में सर का वीडियो बना लिया था बीच में लगाने के लिए, लेकिन सर ने स्ट्रिक्टली मना करा है कि मेरा वीडियो, कितना झूठ बोलती है तू, कसम से सर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि मेरा वीडियो अगर कहीं व्लॉग में दिख गया ना तो तुम्हें 15 दिन के लिए कोचिंग से सस्पेंड करवा दूंगा दोनों, ऐसे बोला है सर। कुछ भी नहीं बोला कसम से भाई, ऐसे सर ने कुछ भी नहीं बोला है। सर ने बोला नहीं था, झूठ बोल रही है ये ना, झूठ बोल रही है। तो ऐसे गंदे काम करने से मतलब ये व्लॉग बनाने जाती है क्या तू कोचिंग में? सर ने ना स्ट्रिक्टली मना करा है कि मेरा वीडियो, मैं कभी भी नहीं बनाई सर का वीडियो, आज इसने ज्यादा ही बोल दिया इसलिए मैं कहा चलो ठीक है सर की क्लिप भी ले लेते, बट सर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। कोचिंग में तो पढ़ाई के अलावा कुछ भी करे है ना। और तू स्नैप लेने जाती है? मैं तो बाहर आके लेती हूँ स्नैप। हाँ तो मैं भी बाहर आके व्लॉग बनाती हूँ अंदर। मैंने आज तक अंदर व्लॉग नहीं बनाया, आज पहली बार मैं कहा चलो ठीक है सर का वीडियो बना लेते, बट सर को, सर ने कुछ नहीं बोला, इसने बोला कि ये ना व्लॉग में ऐड करेगी, तब सर ने डाटा, सर ने सोचा ऐसे बना रही होगी। ये सोच मैंने पहले तेरे को अलर्ट कर दिया, नहीं तो बाद में सर देखते तो क्या हालत कर देते सर तेरी। मैं व्लॉग डिलीट कर देती इतना, इससे ज्यादा क्या ही होता। व्लॉग डिलीट कर देती, ऐसा कुछ भी नहीं करती। एक तो सर ने हमें इतना स्ट्रिक्टली कोचिंग बुलाया, हम चले भी गए धूप में, हमारे पैसा भी लगे, मेरा किराया भी लगा, और वो भी सर ने लगा, वो किसने? हाँ वो भी सर ने, सर से लेंगे, सर से क्यों लेंगे, सर से लेंगे, फिर भी तेरे को नहीं दूंगी। और फिर वो वीडियो भी है ना लगा नहीं पाई, तेरे 5 रुपए कैंसिल। इससे पता लग रहा है कि तू कितनी कंजूस है, पता है? अब नहीं दूंगी तो 5 रुपए, मतलब इतनी गंदी बेइज्जती होने के बाद सब लोगों के बीच में फिर भी कोई इतना कॉन्फिडेंटली घूम सकता है ना, मैंने सोचा नहीं था सर ने, मतलब बिल्कुल ही इंसल्ट फील नहीं हो रही इसको, सारी बातें खुद पर। और सर ने जिसमें ये भी बोला था इतनी बेइज्जती के बाद इतना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, मतलब ये सारी बातें किसके लिए थी, मेरे लिए नहीं थी बिल्कुल। अरे भाई दोनों की मिलकर हुई थी, टीम वर्क था हम दोनों का, टीम वर्क पता कर जाता, इसलिए दोनों की बेइज्जती हुई थी, मेरे अकेले की स्पेशल नहीं हुई थी। मतलब क्या बेइज्जती कराई ना आज तूने, सही में यार फोन करवा सकता है, मैं सोच रही हूँ एक दिन के अंदर तू ना मतलब हद हो गई तेरी बेइज्जती की भी। अब ले कसम खा के बोल दे मेरी हुई थी या तेरी हुई थी, उन भैया ने नहीं बोला था कि चश्मा ठीक करवा ले, और उन भैया ने तुझे 33 साल की नहीं बोला, अरे तभी तुझे बोला था उन भैया ने कि चश्मा ठीक करवा ले। की बेइज्जती का कोटा पूरा, आज की बेइज्जती का जो लिमिटेशन था वो पूरा हो चुका है। हाँ हाँ जो आज बेइज्जती हुई ना वो प्रॉपर पूरे महीने की। क्या दिया आंटी को? तेरे पास तो पैसे नहीं थे ना, ऐसी चीजों का वीडियो नहीं बनाते तो, लेकिन मैं इसलिए बना रही थी, तूने तो पैसों के लिए मना कर दिया, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं, अम्मा के लिए थे। कितने रुपए दिए आंटी को? जितने थे उतने, 5 रुपए थे बैग में। मेरे बैग में से 5 रुपए निकालिए रिक्शे के लिए, चांटा मार दूंगी क्या जाके। तेरे जैसे लोगों के लिए पैसे नहीं मेरे पास, मतलब 5 रुपए थे तेरे पास तो तूने मेरे बैग में से निकाले, वो मैं ना बैग खाली नहीं रहता, तेरे को पता नहीं पैसों के रहने चाहिए 2-5 रुपए, और वो भी दूसरे से मांगे हुए, पता ही अच्छा नहीं किया तूने। ये आंटी को भगवान ने भेजा था कि तेरे पास 5 रुपए थे ये बताने के लिए, और तूने फिर भी मेरे उसमें से निकाले।